देशभर में महानवमी की धूम देखने को मिल रही है। नवरात्र में पूजा, आपको बता दें कि आज कन्या पूजन का दिन है। नवरात्रि के नौवे दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा आज हो रही है। देशभर में नवरात्र के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मंदिर में लग रहे हैं माता के जयकारे। माता रानी की भक्ति में भक्त जो है वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माता रानी की भक्ति में भक्त डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सुशील कुमार काली माता मंदिर से हमारे साथ गोरखपुर से लाइव जुड़ गए हैं। कन्या पूजन, नवरात्र के नौवे दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। माँ सिद्धिदात्री की आज पूजा हो रही है। मंदिरों में किस तरह से भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर में लग रहे हैं माता के जयकारे। माता रानी की भक्ति में भक्त डूबे हुए दिख रहे हैं। और आज से ही नौवीं के बाद से ही नवरात्रि का जो है वो समापन हो जाता है। देश भर में नवरात्र के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कैसे इन नौ दिनों तक माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। और आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। सुशील कुमार काली माता मंदिर से गोरखपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मार्तंड सिंह बड़ी काली मंदिर से लखनऊ से हमारे साथ लाइव है। और साथ ही अर्जू सेठ दिल्ली से हमारे साथ हैं। अर्जू, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी, आप तस्वीरें दिखाइए, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से भक्त जो हैं बड़ी संख्या में माता रानी के दर्शन करने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और ज़रा इन भक्तों से बात भी करिए। अर्जू, आपको आवाज़ आ रही है? सुशील, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? जी सुशील, आप इस वक्त काली माता मंदिर में मौजूद हैं, वहाँ का नज़ारा दिखाइए और किस तरह से भक्त जो हैं वो भक्ति में सराबोर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कैसे हमने देखा, नौ दिनों तक जो है वो माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती रही, और आज सिद्धिदात्री की पूजा होती है, और आज नवरात्रि का अंतिम दिन भी है, समाप्ति भी है आज। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है। महानवमी की पूजा, हवन पूजन के बाद जो है कन्या पूजन का जो एक परंपरा है वो इसी तरीके से होता है। और ऐसे में आज इंडिया न्यूज पूरे नौ दिन तक इसी तरीके से अलग अलग मंदिरों से जो श्रद्धालु हैं उनकी तस्वीरों को, माता के रूपों की तस्वीरों को दिखा रहा है। अलग अलग नौ दिन नौ रूपों को की पूजा होती है। और इस समय माता काली के प्राचीन मंदिर पे मौजूद तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर सुबह से इसी तरह जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि लंबी कतारों में खड़े होकर के एक एक बारी करके अपनी बारी का इंतजार करके माँ काली को जो ये लोग पसंद कर रहे हैं, और माता को जो है पूजा की थाली लेकर पहुंच करके उन्हें फूल अगरबत्ती नारियल और घर जाएंगे और वहाँ पर हवन पूजन होगा, और फिर जो है नौ कन्या का पूजन होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री भी गोरखपुर में है, वो भी ऐसे में कुछ श्रद्धालुओं से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आज नौवा दिन है, किस तरह के, ये बताइए कि आज नौवा दिन है और नौवे दिन किस तरह से पूजा अर्चना आप लोग करते हैं? माफी नौ दिन अलग अलग रूपों की माँ की पूजा होती है, कितना बड़ा पर्व है और कैसा लगता है, किस तरीके से विधि विधान से आप लोग पूजा अर्चना करते हैं? बिल्कुल ठीक है आपने, आपके भी हाथों में नारियल है। ये बताइए कि किस तरह से आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, परिवार के साथ आप आए हैं माता के मंदिर?
चलिए ठीक है सुशील, आपके पास मैं आऊंगी। मार्तंड हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। मार्तंड, आज नवरात्रि का समापन भी है, क्या नजारा इस वक्त वहां मंदिर में नजर आ रहा है? कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, दिखाइए जरा तस्वीरें। जी बिल्कुल, देखिए इस समय हम चौक के बड़ी काली जी मंदिर, माता के मंदिर में स्थित हैं, और आपको मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो अंदर आकर दिखाएं। जो यहाँ पे जो माता का मंदिर है, ये 2700 साल पुराना मंदिर है। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा इस मंदिर की स्थापना यहाँ पे, चूंकि आज महानवमी की पूजा कर रहे हैं लोग, जो है भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर, क्योंकि 9 दिन का व्रत होता है, उसके बाद 9 दिन पूजा पाठ के बाद आज जो है कन्या पूजन के साथ जो है इस पूजा को जो है खत्म किया जाता है। तो उसी के लिए लोग जो है आज मंदिरों में पहुँचे हुए हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा गर्भगृह में पहन करके इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को जो है बड़ी काली जी के दर्शन कराएँ। और एक विशेष बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जो काली जी की पूजा होती है वो लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में पूजा होती है, यानी कि 2700 साल पहले इस प्राचीन मंदिर को लेकर ये मान्यता है कि जो भी यहाँ पे मनोकामनाएं मांगी जाए वो पूरी होती हैं। तमाम भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, कुछ भक्त हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज नवमी है, आप लोग क्या मनोकामना लेंगे? घर परिवार में हमारे समृद्धि बनी रहे, बस हम तो यही चाहते हैं, और दुनिया में सब लोग सही से रहें, खुशी से रहें। नहीं, हम पहला और आखिरी रहते हैं, लेकिन मंदिर प्रतिदिन मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं और माता जी के भजन आरती सब करते हैं। 9 दिन पूजन वगैरह, हाँ आज कन्या पूजन होता है, कन्या पूजन और हवन सब करते हैं घर पर, और यही माता से कामना करते हैं सब अच्छा रहे, घर परिवार सुख समृद्धि रहे, सब अच्छा रहे, बस यही कामना करते हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मनोकामनाएं जो है यहाँ पे सनातन सूक्ति है कि जो भी जो है मान्यता मानी जाती है या मांगी जाती है वो जो है पूरे मानव कल्याण के लिए, पूरे समाज के लिए होता है, ना कि खुद के लिए। ऐसा ही जो है जब भक्तों से हमने बात की तो उन्होंने भी यही बताने की कोशिश की। आप कहाँ से आएंगे? राजाजीपुरम से। बड़ी मान्यता है इस मंदिर की, तो क्या कुछ मनोकामना लेकर आए? मांगने क्या, माता बिना मांगे देती हैं, जो चाहिए वो बिना मांगे दे देती हैं, तो इसलिए मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है लखनऊ का, यहाँ पे बड़ी मान्यता है लोगों की और बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं, माता हर मनोकामना पूर्ण करती। हाँ, ये मंदिर बहुत प्राचीन है और आज से कम 80 साल से तो इस मंदिर में परिवार का हमारा आना जाना है। इस परिवार में पिताजी के जन्म से पहले से मेरी दादी माँ आती थी और उन्हीं के कारण आज मेरे पापा, पूरा परिवार है उनका है। जी बिल्कुल, तो देखा काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे पीढ़ियों से लोग जो है वो चले आ रहे हैं, चूँकि मान्यता ये है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो माता पूरी करती है। जी बिल्कुल, आपके पास मैं आऊँगी। अर्जू सेठ भी हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ी हुई हैं। अर्जू, आप दिल्ली में कौन से मंदिर में मौजूद हैं? पहले तो वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से भक्त जो है वो वहाँ पर माँ के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए महानवमी है आज और हमारे सभी दर्शकों को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, और एक बार आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से माँ के रूप को सजाया गया है। आप देख सकती हैं सुंदर श्रृंगार जो है, माँ को नथ पहनाई गई है, हार पहनाया गया है और इतनी सुंदरता से माँ को सजाया गया है। लाल चुन्नी, क्योंकि लाल रंग माँ को बहुत प्रिय है, और लाल और सफ़ेद रंग की जो चूड़ी है वो माँ को पहनाई गई है। इसी के साथ ही लाल कलर की चुन्नी जो है वो माँ को उड़ाई गई है। मुकुट आप देख सकती हैं और कितने सुंदर तरीके से श्रृंगार जो है वो माँ का किया गया है। अगर आज की बात करें तो 9वें दिन सिद्धिदात्री माँ की पूजा की जाती है, दुर्गा माँ का रूप है, नवा रूप सिद्धिदात्री, जिनकी आज पूजा की जाती है। और आपको बता दें कि सभी सिद्धियाँ जो हैं वो इनकी पूजा करने से प्राप्त होती हैं, इसीलिए जो भक्तजन है वो आज के दिन, हमने देखा किस तरीके से लखनऊ से, चाहे लखनऊ की बात करें, अलग अलग देशों की, गोरखपुर की बात करें, कई भी जो शहर हैं, हर जगह जो भक्तों की भीड़ है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर आज के दिन का महत्व क्या है और वो किस तरीके से महानवमी की पूजा कर रहे हैं और आगे किस तरीके से नवरात्र की पूजा जो है उन्होंने की है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने पूजा अर्चना की है नवरात्रि की? हमने धूप दीपक जला के और माँ दुर्गा का चालीसा पढ़ के पाठ किया है सुबह, और माँ सिद्धिदात्री का नमन करता हूँ, और ये बंगाली मार्केट गीता भवन मंदिर से बोल रहा हूँ जी। क्या कुछ मनोकामना जो माँ से मांगी है, क्योंकि आज आखिरी दिन भी है नवरात्रि का, कंजक खिलाई है आपने?
मिन्नतें पूरी होती हैं जी मिन्नत करने से मंदिर में। अच्छा, इस अगर मंदिर की बात करें तो कितना पुराना है और क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की? 1973 में मंदिर बन के तैयार हुआ है गीताभवन मंदिर के नाम से। इसके महत्ता यह है कि हनुमान जी की सिद्धि इतनी है कि जो मनोकामना करो ये दुर्गा माँ की सब पूर्ण होती है। और भी भक्तजन हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। आप देख सकते हैं पूजा अर्चना जो है वो कर रहे हैं, जो आरती है वो अभी अभी हुई है, इसलिए आरती के बाद जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं क्योंकि अभी वो लीन है पूजा में, तो उनसे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। एक बार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुंदर तरीके से माँ को जो है वो यहाँ पर सजाया गया है। हमने दिल्ली के अलग अलग मंदिरों में हम पूरे 9 दिन 9 देवियों के दर्शन जो है इंडिया न्यूज़ ने दर्शकों को कराए हैं, ताकि जो लोग मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो कि घर में रहते हैं, जो नहीं निकल पा रहे हैं, उनके लिए भी हमने हर माँ के दर्शन जो हैं वो उनको कराएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूजा अर्चना जो है, जो अनेक भगवान जो है वो यहाँ पर उनकी प्रतिमा जो है देवी जी की वो भी मौजूद है यहाँ पे, और लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे आखिर उन्होंने नवरात्रि में किस तरीके से पूजा अर्चना की है। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही हैं? देवी जी की पूजा करते हैं, हलवा चने बनाते हैं, कंजक जमाते हैं बस, और शिव जी की तो रेगुलर करते ही करते हैं। तो आपने 9 व्रत रहे थे? 9 व्रत नहीं, कुछ लोग रखते हैं कुछ लोग नहीं रखते, हमने तो नहीं रहे। पूजा हाँ 9 दिन जरूर करते हैं, कंजक भी करते हैं, ज्वार भी बिठाते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या कुछ मनोकामना मांगी? मनोकामना सबके लिए सब अच्छा रहे, देश के लिए सब अच्छा रहे। कि देश के लिए भी मनोकामनाएं मांग रहे हैं कि देश में भी सब कुछ अच्छा रहे, और लोग आ रहे हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। आंटी जी, क्या कुछ, आप 9 व्रत रही हैं, आज आखिरी दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगी, कैसे पूजा कर रही हैं? क्या कुछ मनोकामना मांग रही हैं? कुछ नहीं, ठाकुर जी सब बच्चों को अच्छा रखे। कंजक खिलाई आज आपने की कल? कल आज महानवमी है, कितना महत्व है आज? बहुत अच्छा बात है, सबके बच्चे ठीक रहे, माँ से यही प्रार्थना है। तो देखा आपने किस तरीके से लोग जो हैं वो सिर्फ अपने ही परिवार का भला नहीं, बल्कि वो चाह रहे हैं कि देश में भी सब कुछ जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गीता भवन, ये मंदिर जो है बंगाली मार्केट में मौजूद है, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, और आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मंदिर में भी तैयारी जो है वो की गई है। आप देख सकते हैं प्रसाद जो है वो भी बनाया गया है, भोग लगाया गया है, हलवा रखा गया है यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं कटोरी में हलवा रखा गया है, माँ को भी भोग जो है वो हलवा चना का लगाया गया है। और आज क्योंकि कुछ लोगों ने कंजके जो हैं वो कल खिला दी, कन्या खिलाई जाती हैं, माँ का रूप माना जाता है लड़कियों को, और उनको ही जो कंजक है वो खिलाई जाती हैं। कुछ लोग 9 लड़कियों को कंजक खिलाते हैं, कुछ लोग 11 लड़कियों को खिलाते हैं, और कुछ लोगों ने आज खिलाई हैं। तो वही तस्वीर हम दिखा रहे थे, वो भक्तजन से जिनसे हमने बात करी वो भी हमको ये बता रहे थे किस तरीके से उन्होंने पूरे 9 दिन एक पॉजिटिविटी का जो माहौल है इन पूरे 9 दिनों में देखने को मिलता है, और आज आखिरी दिन है और आज भी वही उल्लास भक्तों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आज आखिरी दिन है और भक्तों में कहीं ना कहीं भक्ति जो है वो कम नहीं है बिल्कुल भी, ये साफ दिख रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं, माता के दरबार में पहुंच रहे हैं, दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुशील हमारे साथ गोरखपुर से लगातार बने हुए हैं। सुशील, क्योंकि आपने जानकारी दी थी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज वहाँ पर मौजूद हैं, क्या कार्यक्रम आज रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का? देखिए, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो गोरखपुर पीठाधीश्वर संप्रदाय की परंपरा का निर्माण करते हैं, ऐसे में आज सभी वो आ गए थे, और कल उन्होंने हवन पूजन करने के बाद महानिशा की विशेष पूजा की थी जो नाथ संप्रदाय की परंपरा है। और आज सुबह जो है वो सुबह उठने के बाद मंदिर भ्रमण करेंगे और फिर माता शक्ति की आराधना करने के बाद फिर जो है तकरीबन 10:30 बजे के आसपास नीचे आकर के 9 कन्या का पूजन करेंगे, उनके पांव पखारेंगे, उन्हें चुनरी उड़ाएंगे और बाकायदे उन्हें भोजन भी कराएंगे। एक एक कन्याओं के पास खुद जाकर के वो उनको भोजन कराते हैं, उन्हें दक्षिणा देते हैं और उसके बाद उनका आशीर्वाद देते हैं। वो दृश्य अपने आप में एक अलौकिक दृश्य रहता है जब मुख्यमंत्री एक एक कन्याओं का पांव पसारते हैं, उनके पांव को पोसते हैं और फिर उन्हें भोजन कराते हैं, उन्हें दक्षिणा देते हैं। तो ऐसे में आज पूरा दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माताश्री की उपासना में बीतने वाला है, क्योंकि 3 दिनों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वो मंदिर में पहुंचते हैं तो फिर बाहर नहीं निकलते हैं।
अगले दिन कल जब विजयदशमी यानी बुराई पे अच्छाई का जो प्रतीक है उसको लेकर के नाथ संप्रदाय की एक जो परंपरा है जिसे जुड़ी करता है उसमें वो सिक्का सोकर एक अलग लिबास में वो नजर आते हैं, दंड जो है दंडा अधिकारी के रूप में वो नजर आते हैं। और उसके दौरान जितने भी मंदिरों में जो भी साधु संत रहते हैं जो साल भर से जो गलतियां करते हैं उसको लेकर के वो न्याय देते हैं। तो ऐसे में आज का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम 10:30 बजे जब वो नीचे आएंगे तो कन्या पूजन करेंगे और उसी के साथ हमन पूजन करने के साथ भी माता की आराधना करेंगे। बिल्कुल, और इस वक्त आप जिस मंदिर में मौजूद हैं जरा वहां पर भक्तों से बात करिए, किस तरह की का उल्लास जो है वो वहां पर उत्साह जो है वो आज रामनवमी के दिन को लेकर देखा जा रहा है। बिल्कुल, मैं तस्वीरों की दिखाऊँ आपका, तस्वीरों के साथ साथ यहाँ के लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आज नवमी के दिन माँ से पूजा अर्चना कर रहे हैं, भक्त हैं उनसे बात कर, आज नवमी है और नवमी के दिन किस तरीके से माँ की आराधना आप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। किस तरह से माँ को प्रसन्न कर रहे हैं, क्या क्या चढ़ा रहे हैं माँ, ठीक है। आपकी आवाज सुशील हम तक नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल अभी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आज जो, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही मार्तंड आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।